देखो ये देखो हावरी देखो हावरी देखो ये देखो ये देखो। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Baba Pancho and this is another part of Kokan Travel Series। तो यार आज का दिन ऐसा था कि हम लोग को जाना था एक जगह पर बाहर जो मैंने आपको बोला था, बट हम लोग जा नहीं पाए। आज हम लोग ने रेस्ट लेना ही उचित समझा। जस्ट द रीज़न इज बहुत थक गए थे यार, मतलब 16 घंटे ऑलमोस्ट हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड एवरीबडी वॉज सो टायर्ड। सोचा कि रेस्ट करते हैं एंड आज थोड़ा यहाँ वहाँ ही घूम लेते हैं। अभी हम लोग हैं सांडवे गांव में, जो मेरा होम टाउन है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, कोकण में जितने भी गांव है वो सब गांव में अलग अलग वाड़ी होती है, मतलब अ बंच ऑफ हाउसेस। तो उन वाड़ियों का मिलके एक गांव बनता है और बाकी सब गांवों का मिलके एक तालुका बनता है और तालुकाओं का मिलके एक ज़िला बनता है। तो हम है सिंधुदुर्ग ज़िले में, कणकवली तालुका नहीं बोल सकता, हमारा तालुका है देवगढ़, बट कणकवली हमें नज़दीक पड़ता है। और अभी हम लोग है सांडवे गांव में, जो मेरा होम टाउन है, और दिस इज़ सांडवे गांव पाताड़ेवाड़ी। और सब वाड़ियों का एक रक्षक होता है, हम लोग उनको ठिकानदार कहते हैं। तर सगळ्या मालवणी लोकांका माहिती असत, तर आमच्या गावचा जो ठिकाणदार असा त्या ठिकाणदाराकडे आता जातो आणि मग थैसून आम्ही जातो जरा वाईज फटकूक। तो हमारे साथ है पापा और ओरियो। तो पापा, गावी ठिकाणदार कशासाठी असतो? ठिकाणदार म्हणजे आपल्या वाडीचं एक ठिकाणबंदी एक हे असतं आणि त्याचं मुख्य तो ठिकाणदार असतो। अच्छा, तो ये हमारे गांव का जो हमारे वाड़ी का रक्षण करता है, इसे बोल सकते हैं, बरोबर ना? हाँ। यहाँ पर है ये हमारा ठिकानदार का मंदिर और यहाँ पर हमारी विहीर है, बावड़ी है। तो हम लोग चप्पल पहन के वहाँ पे जाते नहीं है। ये बस यहाँ पे भी ठिकानदार का मंदिर है और ये हमारी विहीर है यहाँ पे। और आपको भी मैं मतलब पता नहीं मैं कितना डेप्थ दिखा पाऊँगा। मैं बचपन से जब से छोटा था तब से ये सुनते आ रहा हूँ और इनफैक्ट मेरे जब डैडी छोटे थे तब से वो कहते हैं कि इस विहीर का पानी कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है आज तक। एंड मेन फंडा अबाउट दिस विहीर इज इसका पानी हमेशा एकदम चिल्ड और ठंडा रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आजू बाजू वाले बहुत सारे गांव हैं जहाँ का पानी हम लोगों ने टेस्ट किया है और थोड़ा बीटर नहीं कह सकता, एक्चुअली हमारे मराठी में कहते थोड़ा मचूर लगता, बट यह विहीर का पानी बॉस ऑसम। मेरा एक भाई आया था हमारे गांव, तो वो यहाँ से पानी की पूरी बॉटलें भर के लेके गया घर पे मम्मी को दिखाने के लिए कि इनके विहीर का पानी इतना टेस्टी है। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट आर विलेज, बट है यार, आई एम सो प्राउड फॉर इट। तो हमारे वाड़ी में सबके घर में पीने के लिए पानी यहीं से जाता है और जिनको जिनको नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए पानी, वो अलग अलग जगहों से अलग अलग हर एक जन ने अपनी अपनी पर्सनल बावड़ी या विहीर बना ली है, तो वहाँ से वो लोग पंप से पानी फुल कर लेते हैं, बट पीने का पानी यही से आता है। अभी हम लोग घर के इधर ही जा रहे थे तो मैंने जस्ट पीछे देखा, तो ये जो पीछे का जो पेड़ आपको दिख रहा है, तो हम लोग इसको देवाचा झाड़ बोलते हैं।
और ये है पायरीचं झाड है ना। हाँ तो ये पायरीचं झाड है और ये हमेशा ऐसा ही एकदम हरा भरा रहता है एंड इट्स आणि सो मोठं आंब्याचं झाड पीसफुल। होतं ते, हाँ आंब्याचं मोठं झाड होतं ते नेलं आणि त्याला संपूर्ण आता एकच फांदी आहे, पण दरवर्षी त्या आंब्यावर आंब्या लागतात. अच्छा, तो डैड कह रहे कि एक यहाँ पे आम का पेड़ था वो मर गया, बट अभी उसकी खाली एक ही टहनी बची है, बट उसको हर साल भर भर के आम लगते हैं। लेट डैड एकदम टिपिकल, मतलब गांव आने के बाद डैड एकदम टिपिकल गांव वाले जैसे रहते हैं, फुल गले में गमछा वमछा, हाथ में लकड़ी लेके। एकदम डैडी एकदम एक्यूरेसी से निकाल रहे हैं कैशूस। यार एक वो ही इज प्रो। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ, थोड़ा उनको हेल्प करता हूँ, देखता हूँ कितना निकाल पाता हूँ, बट पापा इज प्रो, ही इज ओपी यार। एज पापा ओपी इन द चैट, बचपन से बहुत निकले बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है, देखते। एक शॉट पे दो बॉयज, वन मोर डाउन, टू मोर, वन मोर, तो भाई ये है हमारे बगीचे का फ्रेश पका हुआ कैशू। ये नीचे का बीज भी इसका बहुत बड़ा है। कैशू की वाइन भी जो बनती है वो इसी बोंडू से बनती है, और हम लोगों को इसको काट के डायरेक्ट खाने में मज़ा आता है। कभी कभी हम लोग ऐसे ही जब यहाँ पे आते हैं कैशूज निकालने के लिए तो इसको ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे करो एंड एकदम जूसी है, बट थोड़ा संभाल के, ज़्यादा खाओगे तो इसका जो डिंक रहता है, डिंक को क्या बोलते हैं यार मैं भूल गया, तो जो डिंक का पूरा तोंडाक लगता लो आतुन आपके पूरे मुंह में ऐसे वो लग जाएगा और देन यू विल बी लाइक यमी। ज़्यादा मत खा लेना। ये है इसका स्टार्टिंग फेज, इतने छोटे होते हैं। फिर ये मीडियम फेज, इसे ग्रीन स्टेट में, और ये है फाइनल एकदम पका हुआ परफेक्ट कैशू। भाई इसके जैसा मज़ा और किधर नहीं मिलेगा, खुद के बनाए हुए पेड़ से पके हुए फल निकालो, और ये जो फन है इस मतलब इसको अगर जब तक आप यहाँ पे नहीं आते और वो खुद से नहीं करते ना, तब तक मैं आपको थ्रू द वीडियो समझा नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सही लग रहा है, इट्स लाइक पूरे सब बचपन के दिन याद आ गए। बचपन में भी हम लोग जब समर वेकेशंस में यहाँ पे आते थे यार, मतलब ऐसे ही, मतलब दो दो तीन तीन चार चार घंटे इधर बगीचे में ऐसे पड़े रहते थे, और सब कैशूज जमा करो, ये करो, ऊपर से बोंडू निकालो, बोंडू खाओ, टाइम पास। वो दिन मतलब यार पिछले कुछ सालों में जो अपने ऑफिसेज और ये सब चक्कर में ना, ये सब एन्जॉयमेंट छोटी छोटी चीज़ें हम लोग मिस कर गए, बट कोई नहीं, देर है दुरुस्त है, नाउ फीलिंग बेटर, वापिस वही पुराने दिन याद आ गए। चलो लेट्स गेट बैक टू द वर्क, वरना अपनी तो बातें चलती रहेंगी यार, ये रह जाएगा काम।
तो भाई आज का राउंड एकदम सफल संपूर्ण कंप्लीट हो गया है, और ये रही आज की मेहनत, ऑल थैंक्स टू मॉम एंड डैड। उन्होंने इस लॉकडाउन में जो मेहनत की है, जो देखभाल की है इन सब पौधों की, पेड़ों की, उसका ही फल आज मिल रहा है। मतलब आई हार्डली डाउट, मैं बचपन से लेके मैंने अब तक इतना सारा फल लगते हुए देखा है। ऑब्वियसली यार, मतलब आप लोग उसको जितना दोगे उतना ही वो आपको रिटर्न में देगा। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक रहता है नेचर के साथ। तो भाई सब लोग बोर हो गए आणि आता सगळ्या म्हणून ते चल जरा वाईज काहीतरी जाऊया म्हणून म्हटलं आता खरं जाऊया। तर सगळ्या चाकरमान्यांचं फेवरेट टाईमपास दुकान लाईनीवर जाऊन बसायचा। तर वाईज जातो जरा दुकानावर आणि थैना वाईज जरा नेटवर्क येतात तर थोडा फेसबुक इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब वगैरे जरा बघतलो आणि मग जमल्यास एका दुसरी इंस्टाग्रामवर माझी तुमका पोस्ट गावात। जर इंस्टाग्रामवर फॉलो नाही करत तर आत्ताच करून टाकावं। भाई अभी भी हम लोग गांव, मतलब टिपिकल गांव में ही रहते हैं। यहाँ पे अंदर तक इतने बढ़िया वाले रास्ते नहीं बने, तो ये गांव वालों ने ही मिलके ये बनाया हुआ छोटा सा रास्ता है। तो ये है मैंगोज और ये है हमारे कैशूज के झाड़, शायद दिख रहे रहेंगे जो रेड कलर के वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर भी है थोड़े थोड़े, और ये देखो यहाँ पे है ग्रीन कैशूज। तो अभी अभी लगने स्टार्ट हुए हैं, पर ये सब्जी के लिए एकदम परफेक्ट है, रेडी है। तो अभी ये सब देख रहा था बट अभी जस्ट मैंने नीचे देखा, ये देख रहे हो इधर एक है, दो, तीन, ऐसे बहुत सारी जगह पर है। तो ये है चोर लोग, मतलब पेड़ को नहीं बोल रहा हूँ, जो चोर लोग हैं जो यहाँ से हमारे कैशूज चोरी करके लेके गए। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ यार, मतलब क्या मिलता है यार, खुद के इतने सारे पेड़ है ना तो क्या ज़रूरत है। ये मतलब ये सब जगह पे होते ही रहते हैं, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं ज़्यादा तो ऐसे होते। लो ये देखो इधर भी है, लगा ही था कि हम लोग यहाँ पे नहीं है तो कोई ना कोई ये सब उंगली करेगा ही, एंड सी दे डिड इट। तो अभी टास्क ये है जितने भी नीचे गिरे हुए कैशूज है या फिर जो भी पके हुए कैशूज है ऊपर पेड़ पे, वो सब निकाल के घर पे लेके जाने हैं। यार ये बोंडू इतने सब ऐसे खराब हुआ लग रहे थे, मतलब जो क्या बोलते अभी जो पंछी आते हैं वो सब या खाते हैं, इसमें थोड़ी कीड़ लग गई है। पर ठीक है, अपने को मेन तो कैशूज है, कैशूज सही है। मैं सोच रहा था ये टाइम पे जो अच्छे अच्छे बोंडू है वो जमा करके उसकी वाइन बनाने को ट्राई करूं, बट आई डोंट थिंक सो पॉसिबल है बिकॉज बहुत सारे बोंडू में कीड़ लगना स्टार्ट हो गया है। हो गया, मॉम ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, अभी स्नेहा और मैं और दिख रहे इसे थाम के दिख रहे मॉम ने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और वो देखो इसका फोटो सेशन चालू है उधर, और मैं और स्नेहा अभी मॉम को हेल्प करने जा रहे हैं। तो एज आई सेड ये देखो ये ऐसे कीड़ लगना स्टार्ट हुआ है, बट नीचे कैशू एकदम सही है। तो अभी ये जो ऐसे गिरे हुए हैं ये हम लोग को जमा करने हैं। कुठे आणून ठेवायचे आहेत? और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, मतलब मैं क्या बोलूं इन लोगों को समझ में नहीं आता। लेट मी शो यू, कौन से प्राणी रहते हैं यहाँ पे पता नहीं, सांप वाप या फिर चूहे रहते रहेंगे, बट उनके बिल के अंदर इन लोगों ने ये बोंडू डाल दिए।
म्हटलं मेल्यांका जरा वाकला नसत माहीत आणि आमचे आमचेच काजी काढल्यानी आणि हळ टाकल्यानी आहेत बोंडू. फळ बऱ्यापैकी मोठा आहे. हो तो मुझे कॅशूज के ब्रीड के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, बट मैंने यहाँ पे जस्ट देखा ये इतना बड़ा है, इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड डैड, ही सेड दिस इज वेंगुर्ला 7. तर ही वेंगुर्ला 7 ची जात आहे आणि बऱ्यापैकी मोठा फळ आहे यार. एक नाईस. तो देर आर मल्टिपल नंबर्स, वेंगुर्ला 4, 5, 6, 7. तो दिस इज 7. This huge. It's a little more like the but kaju. Hai palle at kashi. Patere cha maage pan kaji yaar. Hai sir. Kai ne? Varcha var kaadtoy. Ha varcha var uchalta hat ne galat. Ha ha. Theek hai. To piche ye jo dikh rahi hai ये पूरी कैशूज की बाग है और यहाँ पर है मैंगो. तो आंबेक अत्ता सो मोर ये था बट माहित नहीं कभी होते ली. पप्पा पप्पा ऐसा मोर कहता अत्ता मोर है तो है आंबो कभी लगते लो. हाँ अच्छा. तो ये लोग बोलेगी ये थोड़ा लेट होता है, ये मैंगो ऑलमोस्ट मई में होता है. देखो ये देखो हावरी, देखो हावरी, ये हावरी देखो इधर से. देखो ये देखो ये देखो हावडी नाही हावरी हावरी देव दिदे. ही आमच्या घरात सगळ्यात हावरी पोरगी पोरगी खाऊक बसली बघा. बहुत कुछ लगा है यार इन लोगों ने यहाँ पे. हम लोग मुंबई में थे, हमको कुछ पता ही नहीं. यहाँ से खाली वीडियो कॉल करते थे तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते थे, बट टू गुड. डैड को पहले से ही पसंद था गाँव आना. इनफैक्ट उनका एडुकेशन और एवरीथिंग यहीं से हुआ है, तो यहीं पे वो पले बड़े हैं. ही नोज एवरी इन एंड आउट की यहाँ पे क्या क्या उगता है और हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं. तो टू गुड डैडी. और उन्हीं से थोड़ा मेरे में उतरा है ये सब प्लांट्स एंड एवरीथिंग. तो डैड ने यहाँ पे लगाए, मैंने मुंबई में लगा दिए. ये यहाँ से पूरी इधर तक करेले की वेल है और छुटके छुटके करेले आए हुए हैं. मतलब अभी अभी जस्ट आए, कुछ आके गए भी है बट. ये सब अभी शायद से लेके जाएंगे और जो गाय बैल है उनको डाल देंगे. और बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन. अभी जाएंगे थोड़ा दुकान पे और खाना पीना एंड फिर घर को. ये चला रे, चला चला. ये लो इसके पैर में घुस गया था ये काटा. हम लोग कब से सोच रहे हैं ये टुई टुई क्यों कर रहा है, कब से ये उड़ी उड़ी मार रहा है बेचारा. आज का दिन थोड़ा टायरिंग था बट मज़ा भी उतना ही आया. मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया है आप लोगों को मेरा गांव दिखाने में, हमारे कैशूज के पेड़ दिखाने में. और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, आप लोगों को भी मेरा आज का ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना. और मैं आपको मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो.